लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाओं का निराकरण आपके वचनों से हो गया माननीय। अब मूड एकदम फ्रेश हो गया सर, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की साधना स्थली केदारनाथ के राज्य उत्तराखंड से कक्षा 10वीं के मयंक नेगी ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल श्रीमान से मार्गदर्शन चाहते हैं। मे वी हैव द क्वेश्चन प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सुप्रभात। मैं मयंक नेगी ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार उत्तराखंड से कक्षा 10 का छात्र हूँ। सफल लोग जैसे बिल गेट्स, थॉमस एडिसन और मार्क जुकरबर्ग अपने प्रारंभिक जीवन में असफल साबित हुए हैं, अतः परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों द्वारा ही किसी की पहचान नहीं की जा सकती है। माननीय महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु हम अपना कितना ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद। धन्यवाद मयंक। माननीय प्रधानमंत्री जी, मयंक यह जानना चाहते हैं कि जीवन में सफलता का मापदंड क्या केवल परीक्षा में प्राप्त मार्क्स हैं? आपकी ये चिंता सही है और शायद हर विद्यार्थी को घर में और स्कूल में लगातार इसी का मुकाबला करना पड़ता होगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग उस दिशा में चल पड़े हैं हमारी शिक्षा को लेकर के, जिसमें सफलता विफलता का एक टर्निंग पॉइंट कुछ विशेष परीक्षाओं के मार्क्स बन गया है और उसके कारण मन भी उस बात पर रहता है कि बाकी सब बाद में करूंगा, एक बार मार्क्स ले आऊं। माँ बाप भी यही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, अरे भाई पहले तुम 10वीं बढ़िया कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर 11वीं में आएंगे तो फिर कहेंगे भाई बात बराबर है लेकिन 12वीं बहुत महत्व की है, जरा इस पर जोर लगा दो। फिर कहेंगे एंट्रेंस एग्जाम महत्व की, इस पर जोर लगा दो। उनका इरादा होता है कि बच्चे को जरा मोटिवेट करें, उत्साहित करें, लेकिन किसी जमाने में शायद यह सत्य होगा, आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का ये महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए। जिस दिन माँ बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो कुछ नहीं, ये जो मूड बना देते हो, मेहरबान करके ऐसा मत करो। ये हुआ अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई, ये सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे स्कोप हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। आपने देखा होगा किसान, हो सकता है स्कूली शिक्षा बहुत कम हुई हो, लेकिन वो सीखता है, अनुभव करता है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, शिक्षा की अपने खेती की पद्धति बदलता है, आधुनिक करता है, जीवन को कितना बढ़िया बना देता है। और इसलिए मैं साफ कहूंगा कि परीक्षा का महत्व है, उसके बावजूद भी परीक्षा ही जिंदगी है, ये सोच से हमें बाहर आना चाहिए। जीवन में कई प्रवृत्तियां होती हैं, कई चीजें होती हैं, इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक वचन हम सबके लिए प्रेरणा के सूत्र हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश।
प्रजक्ता अतंकर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ केंद्रीय विद्यालय गंगानगर गरहा जबलपुर जॉइंस अस टू आस्क हर क्वेश्चन. कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज. माय नेम इज प्रजक्ता अतंकर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय गरहा जबलपुर एमपी. माय क्वेश्चन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. The balance between co-curricular activities and study is very important, but these activities restrict the children. Is it so? Mantriji, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है. Government Girls Senior Secondary School number 2, दिल्ली की कक्षा 9वीं की छात्रा रिया नेगी अपने मन में उठने वाले प्रश्न का समाधान चाहती हैं. रिया सभागार में बैठी हैं. रिया कृपया अपना प्रश्न पूछें. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं रिया निगी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ. मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 में पढ़ती हूँ. मैं दिल्ली से हूँ और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं मगर अन्य क्षेत्रों जैसे खेल कूद संगीत इत्यादि में अच्छे होते हैं, वह अब उनका भविष्य क्या होगा, इस पर अपनी राय दीजिए. धन्यवाद रिया. महोदय, एक और भी प्रश्न इसी से मिलता जुलता है. अ रेसिडेंट ऑफ हुगली कोलकाता द लैंड ऑफ ग्रेट सेंट विवेकानंद एंड नोबल लॉरिएट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अनामिका भुनिया ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय इज हियर विद अस इन द ऑडियंस टू आस्क हर क्वेश्चन. अनामिका कृपया अपना प्रश्न पूछिए. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम अनामिका भुनिया स्टडिंग इन क्लास 11 साइंस. I am from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Hooghly, West Bengal. My question is, how can we make a balance between our extracurricular activities and academic activities? Sir, please give us some suggestions. Thank you. Thank you, Anamika. Manyavar, Prajakta, Riya va Anamika utsuk hain yah janne ko ki paathi sahagami kriyaon वह पढ़ाई के बीच सामंजस्य या बैलेंस कैसे स्थापित करें. अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं. जवाब देंगे? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता हूं या करती हूं तो मेरी पढ़ाई में नुकसान होता है, ऐसे मानने वाले कितने हैं? कोई नहीं है. अच्छा, जो मानते हैं मेरे लिए पढ़ाई का महत्व है लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अन्य एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, ऐसा मानने वाले कितने हैं? अच्छा, उसमें भी थोड़ा उत्साह कम है. अच्छा, तीसरा सवाल, जो ये मानते हैं हाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए और जो समय दे करके रेगुलरली करते भी हैं, ऐसे कौन कौन है? चलिए, ये स्थिति हमें बदलनी है. देखिए, आखिरकार हम जो शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा प्राप्त करते हैं वो एक प्रकार से बहुत बड़ी दुनिया के दरवाजे खोलने का रास्ता होती है. उसी से दुनिया में हम प्रवेश करते हैं. जब बालक अल्फाबेट सीखता है ए या क, उसका मतलब कि वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है. पहले अल्फाबेट सीखेगा, उसके बाद दो दो अक्षरों का शब्द सीखेगा, फिर तीन अक्षर वाला शब्द सीखेगा, फिर दो दो शब्दों को सीखेगा. शुरू तो किया था क से लेकिन करते 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 वो कहाँ पहुँच गया? क्योंकि वो एक एंट्रेंस पॉइंट था. हमारी पूरी शिक्षा जो है वो हमें कुछ करने जानने के लिए एक अवसर देती है, उसी को आधार बना करके हमें आगे बढ़ना होता है. कोई अगर सारे गम पधनी सा ये बहुत परफेक्ट कर ले, यानी हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो म्यूजिक की दुनिया के लोग हैं वो भी उसकी वाहवाही करें,
वैसा ही सारे गम पधनी सा, लेकिन वो वहीं रुक जाए तो वो संगीत की दुनिया में कुछ कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? सारे गम पधनी सा संगीत की दुनिया में प्रवेश करने का एक एंट्रेंस पॉइंट है। उसको आत्मसात करने के बाद संगीत की सारी विधाओं में उसको जाने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैंने तो शिक्षा ले ली, सारे गम पधनी सा आ गया, अब मुझे संगीत आ गया, अब मुझे कुछ करना नहीं, तो होगा क्या? मतलब एक्चुअली जो हम सीखते हैं इसको डेली कसौटी पर कसना चाहिए, डेली। और टीचर जो क्वेश्चन आंसर करे उसकी कसौटी पे नहीं, जिंदगी की कसौटी पे कसना चाहिए। अगर मैंने क्लास में मुझे पढ़ाया गया कि भाई कम बोलने से फायदा होता है, तो फिर कभी कोशिश करनी चाहिए कि जब माँ बाप बहुत डांट रहे हैं, कुछ गलती करके आए हैं, तो ट्रायल करना चाहिए वो जो कम बोलने वाला कहा था यहाँ काम आएगा क्या। अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे, तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं चाहते हैं। हमारा नौजवान ऊर्जा से भरा हुआ, सपनों को लेकर चलने वाला, साहस सामर्थ्य दिखाने वाला, ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए हमने अन्य गतिविधियां एक्टिविटी उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, लेकिन उस एक्टिविटी आने बिल्कुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एक समय था जब अवसर बहुत कम थे, तो लगता था भाई एक बार किताबों की दुनिया से आगे बढ़ जाऊं तो रास्ते खुल जाएंगे। आज ऐसा नहीं है, आज अवसर बहुत है। और इसके लिए अगर हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, तो हम अवश्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि हमने जीवन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी को बदल, लेकिन एक नई बुराई इन दिनों प्रवेश कर गई है। ये बुराई बहुत चिंताजनक है। क्या हुआ है? पेरेंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये एक प्रकार से फैशन स्टेटमेंट हो गया है। जब माँ बाप अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो उनको ये कहने का मजा आता है, मेरा बेटा सुबह क्रिकेट कोचिंग में जाता है, फिर 10 बजे टेनिस में जाता है, फिर 11 बजे स्विमिंग के लिए जाता है, फिर 5 बजे आरंगेत्रम मणिपुरी डांस सीख रहा है। उनको बड़ा मज़ा आता है। क्यों? कभी कभी माँ बाप सोच लेते हैं कि जो ग्लैमर ड्रिवन एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, सेलिब्रिटी के रूप में आपको अच्छा लगता है, ऐसी गतिविधि मेरे बेटे बच्चों से कराऊंगा, तब क्या होता है कि जैसे माँ बाप बच्चों पर एग्जाम को लेकर के दबाव डालते हैं, अब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी माँ बाप दबाव डालने लगे हैं। हो रहा है ना कईयों को? नहीं बोलेंगे। मैं आपकी मुश्किल जानता हूं, क्योंकि बोलेंगे और टीवी पे घर वाले देख लेंगे तो। लेकिन ये सही है, माँ बाप का भी काम है कि बच्चे के एक तो स्थानीय व्यवस्था में अवसर कहाँ कहाँ है, उसमें से उसकी रुचि वाली चीजें कौन सी हैं, माँ बाप ने उसके साथ बातें करते करते निकालना चाहिए, और जिसमें उसकी रुचि है उस एक्टिविटी में ले जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में भी
एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कहीं ना कहीं तो बांधना चाहिए, तब जाकर के आप अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हो और जीवन में एक संतोष भी प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होंगे 35-40 साल के बाद ये करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके मन में बोझ रहता है, यार स्कूल के जीवन में ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर उसके लिए वो जिंदगी बोझ बन जाती है। अगर आप स्कूली जीवन में विविधताओं भरे जीवन को कसने का आदत बनाते हैं तो आने वाले जीवन में ये बहुत उपयोगी होता है। जितना क्लासरूम में पाई हुई शिक्षा का महत्व बन जाता है, उतना ही 35-40 साल की उम्र के बाद ये अन्य चीजों से अपने आप को जो कसा हुआ है वो जीवन जीने के लिए बहुत काम आता है। और इसलिए एक को दूसरे का दुश्मन नहीं मानना चाहिए, एक दूसरे को नुकसान करना ऐसा मत मानना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए। और दूसरा, 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को तो मैं जरूर कहूंगा कि आप कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा कीजिए, डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। आप उसी में लगे रहोगे, किताब ये बस एक एक चीज 10-10, 20-20 बार करते रहोगे तो आप बिल्कुल बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए।